नंबर टू, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 इक्वेशन नंबर सेकंड। जरा इनको हल कीजिए और इसे m का मान याद करके बताइए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री का सत्यापन कीजिए, मैंने यम का मान ज्ञात कीजिए, यम का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम इसमें x का मान निकाल लें, देखिए कुछ नहीं करना, सिर्फ चिन्ह बदल दीजिए, x खत्म हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस 4y प्लस 3y 7y इज इक्वल टू 24 11 35, y इज इक्वल टू 35 बटे 7 बराबर 5, तो y का मान 5 हो गया। अब y का मान समीकरण एक में रख दीजिए, 2x प्लस 3 बचे 15 इज इक्वल टू 11 और 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 और 2x is equal to minus 4 और x is equal to minus 4 by 2 is equal to minus 2 and then और तब क्या दिया हुआ है, y is equal to mx plus 3, y is equal to mx plus 3 और x is equal to minus 2, क्या हो गया m into minus 2 plus 3 is equal to y is equal to 5 or minus 2m is equal to 5 minus 3 or 2m is equal to 2 or m is equal to 2 upon minus 2 is equal to minus 1। यही m का मान ज्ञात करना था, हो गया m is equal to minus 1। तीसरा, आगे तीसरा देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले समीकरण बनाइए और उसके बाद उसका मान प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी उन्हें ज्ञात कीजिए। माना दोनों संख्याएं x और y हैं, दोनों संख्याएं x और y हैं, x और y हैं, x एंड y हैं। तब कह रहा है, क्या बताता है, पहले के x y, ये एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, कह रहा एक संख्या दूसरे की 3 गुनी, मान लिया ये x बड़ा है ये छोटी है, 3 से इसे गुणा कर दीजिए, बराबर हो गया, इक्वेशन बन गया, बराबर कर देना ही इक्वेशन बनाना कहलाता, समीकरण बनाना कहलाता है। और अब रहने दीजिए, समीकरण नंबर 1 ये हो गया। दूसरा कह रहा है इन संख्याओं का योग अंतर 26 है, हम जानते हैं x बड़ा है y को छोटा माना हमने, तो x माइनस y इन दोनों संख्याओं का, इनका अंतर नहीं, ये दोनों संख्या x और y, इनका अंतर x माइनस y इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर 2, अब सब्स्टिट्यूशन विधि से हल करना है, यहाँ से आपने x का मान उठा करके यहाँ रख दिया, क्या हो जाएगा, x की जगह पे लिख दिया 3y माइनस y इज इक्वल टू 26 और 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू 26 by 2 इज इक्वल टू 13, ये मालूम हो गया। एंड देन और तब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 गुणे 13 बराबर 39, हेंस द टू numbers are 13 and 39, and the two numbers are 39 ये हो गया। दो
इसका सेकंड पार्ट है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये सेकंड पार्ट है, माना दोनों कोण एक्स और वाई है, एक्स वो वाई है, तब ये संपूरक है। संपूरक ऐसे दो कोण संपूरक कहलाते हैं जिनका योग 180 अंश होता है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कह रहा है एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मान लिया एक्स बड़ा है, ये 18 डिग्री अधिक वाई से, कितना लिखेंगे, यहाँ एक्स लिखा वाई लिख लिया, तो ये छोटा मान ले तो इसमें 18 आपने जोड़ दिया तो इसके बराबर हो गया, तो एक्स बराबर वाई प्लस 18, ये इक्वेशन नंबर टू। सब्स्टिट्यूशन विधि से इसको हल कीजिए, कैसे हल करेंगे, x का मान इससे निकाल करके इसमें रख दीजिए, लिखोगे तब x की जगह पर हमने लिख दिया y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180, और y 2y इज इक्वल टू 180, इस संख्या वाले को इधर कर दीजिए माइनस 18 और 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गए 6, 162, और y इज इक्वल टू 162 बटे 2 बराबर 2 8 16 2 81, अतः एक कोण हो गया 81। तब दूसरा कोण कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पर रख दीजिए y की जगह पर 81 प्लस 18 बराबर हो जाएगा कितना, 99। Hence the two angles are 99 and 81. यही दोनों हो गए। अपने उत्तर की जांच करना है तो दोनों जोड़ के देख लो, 180 हो जाता है कि 9 1 10 9 8 17, कितना हो गया 18, 180 हो गया। फिर कह रहा है उससे अधिक होना चाहिए, ये 98 है, कितना 81 है, 81 है, दूसरा 99, अंतर कितना आना चाहिए, 26 का आना चाहिए, वो 9 में से 1 गए 8 और 9 में से 1 गए 8 18, 18 का अंतर आना चाहिए, ये भी सही है, 18 का अंतर, यानी उत्तर सही है। आगे देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना एक बल्ले का मूल्य प्राइस ऑफ 1 बैट इज एक्स एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल, और एक गेंद का मूल्य वाई रुपए है। तब कहता है क्या, 7 बल्ले, तो 7 बल्ले का दाम, एक बल्ले का दाम एक्स रुपया, 7 बल्ले का 7 है, एक गेंद का दाम वाई रुपया, तो 6 गेंद का दाम 6 वाई 6, दोनों मिला करके है कुल 3800। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि उसने फिर 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदी, 3 बल्ले का दाम 3x, 5 बल्ले का 5y, ये बराबर है कितने में खरीदा, 1750 रुपए में। इक्वेशन नंबर 2, इसको भी कह रहा है सब्स्टिट्यूशन विधि से हल करना है, पहले ही उसने कह दिया कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हम क्या करें, x का मान
या वाई का मान निकाल करके दूसरे में रख दिया और 3x बराबर 1750 माइनस 5y और x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y कुल का बटा 3। अब इससे आप काटोगे नहीं इसको, क्योंकि दो पद है, दोनों पद अगर कटे 3 से तब तो काट सकते हो, नहीं तो नहीं। लिखोगे तब देन, अब इसमें रख दीजिए 7 × 1750 माइनस 5y होल अपॉन 3 कितना हो गया 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब क्या करेंगे आप देखिए, 7 से इसमें गुणा होगा, इसमें भी होगा, ये बटा पहले खत्म कर लीजिए, 3 से यहाँ से यहाँ तक एक पद है, ये दूसरा पद, तीसरा, सब में 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से कट जाएगा, हो जाएगा 7 × 1750 माइनस 5y प्लस 3×6 = 18y इज इक्वल टू 3800। 7 से इसमें गुणा कीजिए, 7 × 0 = 7, 5 = 35, 7 × 7 = 49, 3 × 52, 7 × 7 = 5, 12 इतना हो गया, माइनस 7 × 5 = 35 y प्लस 18y इज इक्वल टू 3800। अब ये 18y ये 35y, 18 × 17 = 35 तो माइनस बड़ा है तो कहोगे माइनस 17y इज इक्वल टू 3800 माइनस 12250 ऋण चिन्ह बड़ा है माइनस 17y इसको घटाओगे शून्य में से शून्य गए शून्य, 5 में से शून्य गए 5, ये 12 में से 8 गए 4, अब 11 बचा, 11 में से 3 गए 8, कितना हो गया माइनस हुआ, माइनस माइनस दोनों से कट गया, यह वाई बराबर 17 × 4 = 68 17 × 5 = 85 हो जाते हैं, 17 × 4 = 68 16 = 84 हो गया, फिर हो गया ये उतारो 5 = 165 17 × 9 = 153 17 से काटिए 17 × 9 = 153 नहीं हाँ। नहीं कट रहा, वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ 3 कौन इक्वल के बाद 3 का इसमें नहीं गुणा किया था, देखो ये तुम लोग ख्याल नहीं करते हो, इसमें 3 से आपने गुणा नहीं किया था, छूट गया, इसमें भी 3 से आपने गुणा नहीं किया है, देखो कितना हो जाएगा ये 3 से भी गुणा, 3 × 0 = 0, 3 × 0 = 0, 3×8 = 24, 3×3 = 9, 2×11, 3×0 = 0, 3×0 = 0, 3×8 = 24 के 4×2 = 3×3 = 11, 11,400 ये 12,250 कितना हो जाएगा, शून्य में से शून्य गए शून्य है ना, ये बड़ा है इसमें घटाओगे 0, 5 में से शून्य गए 5, 12 में से 4 और ये हो गया 12 में से 4 गए 8 है, 11 अब ये हो गया, ये 1 में से 1 गए कुछ नहीं, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 850, ये दोनों तरफ से कट गया y बराबर 850 बटे 17 17 × 5 = 85 यानी 50 रुपया, तो वाई बराबर 50, एक गेंद का दाम 50 रुपया हो गया, हाँ अब दूसरा निकालिए, तब लिखोगे अब यहाँ पर x का मान निकाल लिए, y का मान मालूम हो गया, x का मान निकालना यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो गया x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y 5×50 तो हो गया 5×25 250, ऐसे गुणा किया 5×25 250 बटे कितना है 3 इज इक्वल टू घटाइए शून्य
पांच में से पांच गए शून्य, सात में से दो गए पांच और एक रह गया। 1500 बटे 3 बराबर 500। अतः एक बल्ले का दाम 500 रुपया और एक गेंद का दाम 50 रुपया। देखिए ये चौथा ये इम्पोर्टेंट है कुछ। देखिए एक नगर में टैक्सी, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इम्तिहान में पूछा जा सकता है। क्या कहता है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए नियत भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर, यह नियत भाड़ा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा नहीं 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 105 रुपया, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। नियत भाड़ा नहीं मालूम है, नियत भाड़ा ज्ञात कीजिए और 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा ज्ञात कीजिए। 25 भाड़ा देना। अच्छा, तो क्या करोगे? माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा फिक्स क्या है? फिक्स भाड़ा मैंने उसके टैक्सी पर आप बैठ गए चाहे कुछ भी नहीं गए, थोड़ी देर बैठे रहे, आपको फिक्स भाड़ा देना है। या आधा किलोमीटर गए चाहे 10 कदम गए तो फिक्स भाड़ा देना है आपको, भले ही 1 किलोमीटर नहीं गए। तो फिक्स भाड़ा कितना है? माना नियत भाड़ा कितना है? 100 रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा 2 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा 2 रुपया है। तब अब कह रहा है क्या कि जब वो 10 किलोमीटर जाता है तो उसे 105 रुपया देना पड़ता है, तो ये फिक्स भाड़ा तो 100 रुपया उसका लगभग करेगा। 10 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का भाड़ा 2 रुपया, तो 10 किलोमीटर का हो गया 10y, तो कहोगे x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 रुपया। ये x रुपया तो उसको हर हाल में देना है, उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से देना है। चलो हाँ, तो ये हो गया 105 रुपया। ठीक है, दूसरा कह रहा है फिर 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो 15 किलोमीटर के लिए फिर यही x अपनी जगह पर फिक्स है, 15 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए y है, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y बराबर 155। समीकरण नंबर 2 दोनों को हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ये माइनस प्लस माइनस करके 0 हो गया, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस नहीं प्लस ही हो जाएगा, 105 में से वो 155 अधिक है तो माइनस बचा, 5 में से 5 गए 0, 5 में 0 गए 5, 50 हो गया, माइनस माइनस कट गया, या वाई इज इक्वल टू 50/5 बराबर 10 रुपया, यानी 10 रुपया प्रति किलोमीटर के भाव से लेगा। फिक्स भाड़ा ज्ञात कीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, तब हो गए एक्स प्लस वाई की जगह पर 10, तो 10 × 10 = 100 बराबर 105 और एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 100 बराबर 5 रुपये, यानी 5 रुपया फिक्स भाड़ा, 5 रुपया चाहे आप कुछ भी ना जाए सिर्फ बैठे रहे उस पर, और 10 रुपया प्रति किलोमीटर के भाव से देना है इसका। चलो बंद करो, बहुत गर्मी।